आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं और आपको टॉयलेट आ जाता है, आपको नेचर्स कॉल है, कभी भी आ सकती है। रास्ते में अब आपको एक ढाबा मिलता है, उसके पास ही बगल में एक फाइव स्टार होटल है। आप अपनी नेचर्स कॉल के लिए कहाँ जाएंगे? और यदि मुकेश अंबानी भी वहां से गुजर रहे हैं और उनको ये दिक्कत होती है तो वो कहाँ जाएंगे? दोस्तों, जहां तक मेरा अपना मानना है, यदि आपने यह सोचा है कि भाई आपको अगर प्रॉब्लम आती है और आप किसी ढाबे पर जाएंगे ना कि फाइव स्टार होटल में, जबकि आपको पता है कि हमारा हिंदुस्तान का कानून ये कहता है कि इस प्रकार की स्थिति में आप कहीं पर भी आप जा सकते हैं और आपको कोई रोकेगा नहीं, फिर भी आप छोटे ढाबे की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर मुकेश अंबानी होगा तो वो फाइव स्टार होटल में जाएगा। दोस्तों, ये फर्क होता है हमारी सोच का, ये फर्क होता है कि हम कितना आगे तक सोच सकते हैं। अगर हमें बड़ा बनना है, हमें यदि सक्सेस पानी है, तो हमें बड़ा सोचना होगा। हम अपनी लिमिट को, जब भी हम कभी सोचते हैं कि मुझे कितना कमाना, तो हम अपनी लिमिट बड़ी छोटी रखते हैं या टारगेट्स बहुत छोटे रखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि टारगेट इतने अनरियलिस्टिक होने चाहिए कि फिर आपको डिप्रेशन हो जाए, नहीं, नियर टू रियलिस्टिक होने चाहिए, लेकिन इतने भी नहीं कि वो बहुत आसानी से अचीव हो जाए। हमें जब भी कोई टारगेट्स फिक्स करने हैं, हमें जब भी कोई अपनी मंजिल तय करनी है, कोई मंजिल निर्धारित करनी है, तो हमें थोड़ा दूर तक सोचना होगा।